अलैकुम जनाब इस टाइम तक रहे हैं अच्छ मिलाद तो माड़ा ना सुनने लिए श्रीवा तो आज सारे कॉलेज की मिलाद का प्रोग्राम आ तो प्रोग्राम में रिलेटेड सारिया वीडियो तुम दसिए दसन तो इस टाइम अस मौजूद हाँ कॉलेज ने हाल ही तो इतने का माहौल मंजर तुम दसने भाई जनाब मैं तकरीर भी करसा इतने कॉलेज तुम्हें वीडियो दसा दसा कि जी तकरीर कैसी की है बेच तकरीर माड़ी चार पाँच मिनट नहीं बननी हाँ माड़ी तकरीर में कुछ सफात तो राइटिंग इतनी सोहनी कौन है चलो गुजारा करनी इतना एंड हो जाने की बंजर दिलों को अपने सिराब कर दिया एक चश्मा है सफात है सीरत रसूल की जनाबे साथ मौजूद साथ है कराम और मेहमान है सूजी और मेरे तालिब इल्म साथियों अस्सलाम वालेकुम। मुझे जिस मौजू पर आज आपको शेयर करने का मौका मिला उसका अनवान सीरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जनाबे साथ ये तो वो मौजू है जिसके बयान के लिए सारी कायनात के दरख्तों को कलम बना दिया जाए समुद्रों के पानी को रोशनाई बना दिया जाए और जमीन से आसमान तक के हालातों और रात बना दिया जाए तो जनाबे वाला ये दुआ किया जा सकता है कि कलम खत्म हो जाएंगे समुद्रों का पानी खुश्क हो जाएगा और जमीन से आसमान तक का हलापुर हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा मुकम्मल न हो पाएगी। जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए तेरे औसाफ का इत्बा भी पूरा न हुआ। मौजूद हाजरीन मुस्तदर ये है कि आप इमाम मुरसलीन भी हैं और रहमत लिल आलमीन भी साथी वसर भी हैं और शाक महशर भी इमाम हनैन भी हैं और नबियों का अफलातून भी इंसान अव्वल भी हैं और रहबर कौमल भी आपका मौलद भी आला मदवन भी आला इहलाक भी मुनरिद तालीम भी लगाना सुन्नत भी बेनजीर मनहत भी बेनजीर आपका जिक्र मुबारक इतना प्यारा इतना दराज है कि इसका हाथा किसी के बस में नहीं। वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तगारों में वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तगारों में एक रोज चमकने वाली थी दुनिया के दरबारों में। पूरी इंसानियत को पैगाम निजात दिया मौजूद शाही नबियत फिरौनी और असलियत अबू जहली कुछ इस तरह से मिट गई कि फिर जमाने की गर्दिश इसे जिंदा ना कर सकी। जनाबे सद आज ये तरक्की याफ्ता दौर एतमाद मंतक का दौर है हिंद की परवाज है चांद पे तमन्ने डाल दिए हैं साइंस ने मिलकर मसलहत करने का दावा किया। लेकिन जी वकार आइए आज 1400 साल पीछे चलते हैं जब आज का सियारा न था आज का तैयारा न था एटम की हवा की नदी मशीनों की कड़कड़ाहट का दूर दूर तक नामोनाश निशान न था रेडियो और मोबाइल का तसव्वुर भी न था। लेकिन उस वक्त अब्दुल्ला का यतीम मक्का का आगन और गौश हलीमा की घर की जीनत जिसके घर चूल्हा न जलता पेट पर पत्थर बांधता था लेकिन उसी ने अपने नाले ने मुकद्दे से आज को सरफराज बनवाया नफरत की उड़ाने मांद पड़ गई जबरील की परवाज थम गई लेकिन दोस्त आज भी काबिले एहतराम समझता है। शर्फ ये किसको मिला मेरे नबी के सिवा शर्फ ये किसको मिला मेरे नबी के सिवा कि आज पर भी खुदा हम कलाम होता है वहाँ बरसती है रहमत जहाँ जिक्र नबी वहाँ बरसती है रहमत जहाँ जिक्र नबी बसत खलूस हो बसत एहतराम होता है। जनाबे सब 14 सदियाँ बीत गई लेकिन रोशनी का ये मिनारा आज इस सूरत बनकर पूरी आवरदार से चमक रहा है और दुनिया आपकी नजीर पेश करने से कासिर है। तारीख अगर ढूंढेगी सानी है मोहम्मद तारीख अगर ढूंढेगी सानी है मोहम्मद सादी तो बड़ी चीज है साया ना मिलेगा। जनाबे सर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे और आपके प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 1 या 100 आयतों में नहीं बल्कि 1400 आयत में नाजिल फरमाया है और ये तमाम आयत मेरे नबी के अहलाक के बारे में बताती है। कुरान मजीद से पूछते जो ये नबी के अहलाक के बारे में बताता जाएगा। आखिर में मेरी शान के साथ इजाजत चाहूंगा सलाम आमिना के लाले महबूबे सुभानी
सलाम आमिना के लाले महबूबे सुभानी, सलाम आमिना के महरे मौजूदा महरे इंसानी, सलाम उस पर के जिसने बेतसुम की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही ने फकीरी की, हमारे ने लगा जिंदगी नहीं मिलती, हजारों प्यार वो गुल मेरे यार।
ये बताता चलूँ कि मोहब्बत एक ऐसा पाकिदा जज्बा है जो दिल से हो सकता है, और मोदी हसन और राग ने क्या गुण कहा है, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती तो तुम उसकी इंकार करते, क्योंकि मोहित अपने महबूब का पति और खबरदार होता है। अगर ज़रूरत की समझ की है कि हम अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्ते को मजबूत बनाए, इताअत रसूल को शार बनाए और उसवा हसना पर अमल करते हुए दुनिया आखिरत की कामयाबी हासिल करें। अगर आज हम इसके ख्वाहिश मंद हैं तो हमें उम्मत मुसलमान इस्लाम के साथ उनके दिलों में मोहब्बत रसूल को उजागर करना होगा। अगर हम आज दुनिया भर की कामयाबी के ख्वाहिश मंद हैं तो हमें मोहब्बत रसूल को शार बनाना होगा और उसवा हसना पर अमल करना होगा। इसके बगैर दुनिया मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या वो बदल तेरे बस। सुभान अल्लाह।